देखिए मैं 10 साल अपने दूसरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी तरफ अगर देखा जाए तो उनका भी जीरो मानता हूं। और जो 10 महीने का जहां का है कार्यकाल असेंबली में जो और लोगों में जो बात आ रही है कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि पर्ची सरकार जो पर्ची से ही चलती है तो वो कभी पर्ची गलत ही पर्चे में गलत आ जाती है, तो ये पर्ची अब चलेगी नहीं। लोग काम चाहते हैं और काम दिखना चाहते हैं। हमने आज पैनल तैयार कर लिया है, हमने 7 सीटों का इन्होंने पैनल दे दिया है। और जो दिल्ली हमारी सीईसी की मीटिंग होगी उसमें क्या करना है वो एक दिन में आपको पता चल जाएगा। और हमारे पूरे प्रदेश में हमारी कांग्रेस पूरे जोश से इलेक्शन लड़ेगी और हम जीत कर आएंगे। देखिए टाइम लोगों का मन बनना चाहिए और लोगों का मन बन गया है कि ये पर्ची सरकार जहाँ डबल इंजन कह लो, इंजन भी फेल हो गया है तो पर्ची भी फेल हो रही है, पेपर ही पता नहीं कहाँ से आ रहा है उनको पता नहीं चल रहा, इसलिए लोगों का मन बना है और हम यकीन तौर पर जीत कर आए। नाराज नेता भी संपर्क में है। देखिए कि कांग्रेस कभी जो ऐसे हैं बीजेपी जैसी गेम नहीं खेलती। हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे, हम दूसरों का सहारा लेकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नाराजगी उनकी होगी, हमारा कांग्रेस का काम है कि अपने जो पार्टी के लोग हैं उनको मजबूत कैसे करना है, कांग्रेस को मजबूत कैसे करना है, हम वो बात करेंगे जो कांग्रेस के वर्कर को अच्छी लगे। दिल्ली में आपसे झुंझुनू के लोग मिलने गए थे, अभी नरेश मीणा से भी आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत रही? वो प्रदर्शन करने नहीं प्रदर्शन नहीं, उनको देखिए उन्होंने अपनी बात बताई। नरेश मीणा मैं और अध्यक्ष जी दोनों ही उसको मिले। देखिए हर कार्यकर्ता जो काम करता है उसका मन होता है कि मैंने जो काम किया है उसको पार्टी उसको रिवार्ड करे, उसकी बात सुनी और दिल्ली और उसको मैंने समझाया भी। आप देखिए जैसे वहाँ J&K में वो लड़का जेब उसको टिकट नहीं दिया तो ऑल इंडिया कांग्रेस ने देखा कि उसमें कैपेबिलिटी है तो उसको ऑल इंडिया कांग्रेस यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया। कांग्रेस कभी भी किसी वर्कर को निराश नहीं करती, उसका जो ड्यू है वो देती है। दिल्ली में मैं भी मेरी दिल्ली में हमारा आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि सीईसी की बैठक में इसकी बात की जाएगी कि जो राजस्थान के लोग हैं उनके जो 7 नाम हम लेकर आए हैं उनमें अगर उनको किसी ने कांटेक्ट किया है तो वो वहां डिस्कस करेंगे। पर राजस्थान वालों ने अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। परिवार भी काफी टिकट मांग रहे हैं जो। देखिए मैं मेरे को ये नहीं समझ आ रही कि परिवार किसको मानते हैं आप। अगर किसी का बेटा, अब मैं भी कांग्रेसी परिवार से हूं, मेरे फादर PCC प्रेसिडेंट रहे, कई बार मिनिस्टर रहे, तो अगर मैं अच्छा काम करता हूं तो परिवार कोई अगर गलत है तो उसको नहीं करेंगे। अगर परिवार का फैमिली मेंबर को अच्छा है तो जरूर टिकट दी जाएगी।